Welcome back, students. In this video, we will discuss about uniform boundedness theorem, or you can say uniform boundedness principle. देखो ये principle क्या कहता है आपको? आपको एक बनाक स्पेस दे दिया, एक नॉन लीनियर स्पेस दे दिया, उसके ऊपर कॉन्टीन्यूअस जो कलेक्शन है इन टी आई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कलेक्शन है उसके पास क्या होगी? एक प्रॉपर्टी होगी कि टी आई ओवर एक्स, जो जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है उनको जिस भी एक्स पे लगाऊंगी वो सारे बाउंडेड सबसेट बनेंगे, पहली बात. दूसरी बात, विद द प्रॉपर्टी, ये बाउंडेड सबसेट ऑलरेडी गिवन है आपको, तो आपको शो करना है कि इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आई की जो नॉर्म है वो क्या है, वो भी एक बाउंडेड सेट आएगा. देखो नंबर तो नॉर्म होता ही है ना, नॉर्म हमेशा एक रियल नंबर होता है, वो चीज तो ऑलरेडी है. वी हैव टू शो कि इट इज ऑलवेज बाउंडेड, वट एवर इट विल कम इट विल बी बाउंडेड. ओके, वो अपर बाउंड निकाल के देना है, मेन बात ये है. तो देखो इस यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम के अंदर हम बेयर्स कैटेगरी थ्योरम का भी यूज करेंगे. उस बेयर्स कैटेगरी थ्योरम को यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस थ्योरम के लिए जितने भी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, दोज कंडीशंस फर्स्टली वी नीड टू फुलफिल एंड ओनली आफ्टर दैट वी कैन यूज बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. अब देखो प्रूफ में टी आई कैसे कलेक्शन हैं आपके पास, कॉन्टिन्यूस कलेक्शन हैं, सिंस टी आई इज कॉन्टिन्यूस कलेक्शन. ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस चीज की. टी आई कॉन्टिन्यूस कलेक्शन है एंड डिफाइन किया एफ एन. बी एक बनाक स्पेस है, मैंने एफ एन डिफाइन किया. एफ एन में वो सारे एक्स जाएंगे बनाक स्पेस बी से, सच दैट नॉर्म ऑफ टी आई ओवर एक्स इट विल बी बाउंडेड फॉर ऑल आई. ये सेट मैंने क्या बनाया, एफ ऑफ एन सेट बनाया, क्लोज्ड. अब हम देखो इस एफ एन पे वी विल यूज बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. तो एफ एन को हम सबसे पहले क्लोज्ड शो करेंगे एंड सेकेंड थिंग हम ये शो करेंगे कि ये जितने भी एफ एन है सारे ही इस बनाक, इन सारे एफ एन का अगर मैं यूनियन ले लूं तो दैट विल बी इक्वल टू दिस बनाक स्पेस बी. ओके, फर्स्टली वी विल शो दैट थिंग. ठीक है, देखो अब क्लियरली बी जो होगा वो सारे एफ एन का यूनियन होगा एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि एफ वन के अंदर बी का एलिमेंट है, एफ टू के अंदर बी का एलिमेंट है, ऐसे करते करते एफ इनफिनिटी तक सारे बी के ही एलिमेंट्स. अगर उन सारे एफ एन का यूनियन ले लूंगी तो दैट विल बी बी. ठीक है, हो गई ये चीज. ठीक है, नाउ वी विल शो ईच एफ एन इज क्लोज्ड. Why we need to show this? Because we want to use Bayer's category theorem, and for that it is the compulsory condition that Fn should be closed on that thing, on that set on which you are using that theorem, that should be closed. इसके लिए तो अब देखो, let मैं कैसे show करूँगी कि Fn is closed? I will show कि Fn contain all of its limits point. Okay, तो let x be any लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं होता सेट के अंदर ही हो. इफ एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन देन इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ एन विल कम फ्रॉम द सेट एफ एन. इट कैन कम फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो. दैट्स वाई हमें ये शो करने की नीड होती है कि जितने भी लिमिट पॉइंट देयर विल एग्जिस्ट ऑल ऑफ देम विल बी इन एफ एन इटसेल्फ. ओके, दैट थिंग वी विल शो हियर. To explain the limit point of x, this implies there exists a sequence xj of points of fn such that xj will converge to x. Okay, since all linear transformations are continuous, सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ कॉन्टिन्यूस तो टी आई ओवर एक्स जे विल कन्वर्ज टू टी आई ओवर एक्स. व्हाई? बिकॉज टी आई
इज कॉन्टिन्यूस. टी आई कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज होल्ड हो रही है, हो गया. नाउ टी आई ओवर एक्स का नॉर्म लो, इट विल बी इक्वल टू लिमिट जे गोज टू इन्फिनिटी टी आई एक्स ओवर जे. सिंस दिस इज कॉन्टिन्यूस दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल कि मैं लिमिट को डायरेक्टली बाहर निकाल पाऊंगा. लिमिट एक्स जे गोज टू इन्फिनिटी टी आई ओवर एक्स जे का नॉर्म. Now tell me one thing, ti over x हर एक i के लिए less than n है, तो ये चीज, ये complete चीज जो equal to में चल रही है, that will be less than equal to n, हो गया. क्या आ गया यहाँ से? ये condition आ गई हमारे पास कि ti over x is less than equal to n. अब सारे x कहां से आएंगे? बनाक स्पेस B से आ रहे हैं ना सारे x, और वो सारे x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही यहां से देखो x किस में चला गया? Fn में चला गया, क्योंकि बनाक स्पेस B है उसी का सबस्पेस है n. तो जितने भी एलिमेंट n के होंगे वो सारे B के एलिमेंट होंगे. अगर B के एलिमेंट ये x चाहे आपने n से लिया चाहे आपने b से लिया, अगर ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये डायरेक्टली किस में चला गया? fn में चला गया. दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू fn. व्हाट दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाई fn इज क्लोज्ड. हो गया fn क्लोज्ड बिकॉज़ fn इज कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. x आर्बिट्रेरी था, यू कैन टेक एनीवन. उसके लिए आज सिमिलरली यू कैन प्रोसीड टू शो दिस. ओके, हो गया ये चीज fn क्लोज्ड आ गया. अब बेयर्स कैटेगरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट हियर, आई एम जस्ट टेलिंग, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है एक्स, ठीक है, और उसको हम नहीं लिख सकते काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डेंस सबसेट में, तो वहां पे क्या कंडीशन मिलती है आपको? इंटीरियर ऑफ ए एन, ये ए एन सारे क्या होते हैं? एक्स कांट बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ दिस ए एन सेट्स. ये डेंस सेट्स होते हैं ए एन, तो इनका इंटीरियर नॉट इक्वल टू फाइव होता है, नॉन एम्प्टी इंटीरियर होता है इन सारे डेंस सेट्स का, और इस पे क्लोजर भी आ जाता है यहाँ. तो इन सारे डेंस सेट्स के क्लोजर का इंटीरियर नॉन एम्प्टी होता है. दिस इज द बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. अगर ये कैटेगरी थ्योरम, देखो बनाक स्पेस खुद एक मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज लगाऊं तो यहां से क्या आ जाएगा? इंटीरियर ऑफ एफ एन नोर. एफ एन और एफ एन नोर यू कैन राइट एनीथिंग. इंटीरियर ऑफ एफ एन नोर इट विल बी नॉन एम्प्टी. एफ एन नोर क्यों आया? यहाँ पे तो क्लोज सेट था, यहाँ पे मैंने ये चीज क्यों नहीं ली, क्लोजर क्यों नहीं लिया इसका? बिकॉज इट इज closed, fn is closed, so fn will be equal to fn bar. I can use any one among these two, है ना? तो ये condition आ गई. अब ये condition आने के बाद मैंने क्या किया? मैं अब एक sphere की help से इस t जो linear transformations हैं उनको bounded show करूँगी. This implies fn nor has a known empty इंटीरियर. इसका जो इंटीरियर है वो नॉन एम्प्टी है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर नोर एंड सेंटर्ड एट एक्स नोर. क्या होगा वो रेडियस? एस आर नोर सेंटर्ड एट एक्स नोर. ओके, और ये किस में कंटेंड होगा? ये कंटेंड होगा आपका एफ एन नोर में. इसके एफ एन नोर के पास एक नॉन एम्प्टी इंटीरियर था, वो नॉन एम्प्टी इंटीरियर होने की वजह से मैं इस सेट को डिफाइन कर सकती हूँ. कुछ ना कुछ आएगा इसमें, चाहे सिंगलटन एलिमेंट आए, और वो किस में कंटेंड होगा? इस एफ एन नोर में कंटेंड होगा. ओके, नाउ टेक एस. अब मैंने इसी की हेल्प से एस डिफाइन किया. क्या डिफाइन किया? एस आर नोर एक्स नोर माइनस एक्स नोर अपॉन में आर नोर.
ये मैंने अपना एस डिफाइन किया, क्लोज्ड यूनिट स्फेयर सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब एक्स मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो एस आर नोर एक्स नोर में बिलोंग कर रहा है। एस मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मैंने इस पे इसका डिफरेंस लिया इस सेंटर वाले पॉइंट से, ठीक है। दिस डिफरेंस आई कैन ओपन इट एज टी आई एक्स माइनस टी आई एक्स नोर। वाई आई कैन डू दिस? बिकॉज इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एडिटिव प्रॉपर्टी से मैंने इसको ओपन किया ऐसे प्लस टी आई एक्स नोर, ऐसे ओपन किया। नाउ आई नो कि टी आई ओवर एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन। इफ इट इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन तो आई कैन से कि इट इज लेस देन इक्वल टू एन नोर एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू एन नोर, क्योंकि अपर बाउंड तो एक ही यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा ना, एक ही एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड है तो आई एम सेइंग कि इट इज लेस देन इक्वल टू एन नोर। तो ये क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ एन नोर। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से यू कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उस ट्रांसफॉर्मेशन पे, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस आर नोर इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू टू एन नोर बाय आर नोर फोर ओ नाइन। हो गई ये चीज। अब ये क्या था, एक्स माइनस एक्स नोर अपॉन में आर, x माइनस एक्स नोर अपॉन में आर नोर, से इट इज टी आई सम y एलिमेंट ले लिया, इट विल बी लेस देन इक्वल टू टू टाइम्स एन नोर बाय आर नोर फोर ओल i। अगर हर एक i के लिए ये चीज स्मॉल है तो आई कैन से कि क्लियरली सुप्रीमम ऑफ दिस टी आई, और यू कैन से सुप्रीमम ऑफ टी आई ओवर y, ये भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा टू एन नोर अपॉन में आर नोर सुप्रीमम ओवर आई, डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ। अब एक बार बताओ नॉर्म ऑफ टी आई की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्म ऑफ टी आई की डेफिनेशन किसी भी एलिमेंट पे ये होती है, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी आई ओवर वाई सच दैट नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू वन, ये होती है ना इस सुप्रीमम की डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम। तो यहाँ से ये सुप्रीमम की डेफिनेशन आ गई। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली भी हो रहा था ये चीज फॉर ऑल आई के लिए, इस सुप्रीमम की डेफिनेशन यूज करने की नीड ही नहीं थी हमें, बट इफ यू वांट टू यूज देन यू कैन यूज। तो यहाँ से क्या आया, टी आई क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। तो यही थी यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल, कि अगर आपके पास एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पूरे के पूरे एंड पे क्या हो जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। ओके okay.